एक तरफ राजकोट बैठक ना उम्मीदवार परशोत्तम रूपाला नो विरोध थई रह्यो छे, बीजी बाजू कांग्रेसे रूपालानी सामे परेश धाराणी ने उम्मीदवार तरीके नक्की कर्या छे। वीटीवी न्यूजनी टीमे राजकोटनी गृहिणीओ साथे वात करी। गृहिणीओए जणाव्युं के नेता कोईपण लड़े पण अमे टीम लीडर जोईने मतदान करीशुं। केटली गृहिणीओए जणाव्युं के अमे परेश धाराणीने ओळखता पण नथी, तो बीजी तरफ आरोग्य अने शिक्षणना प्रश्नने लईने गृहिणीओए पोताना अभिप्राय आप्या। पीएम मोदी क्यों ही क्यों ये लोग वोट दे रहे हैं? सभी लोग यहाँ के लोकल जो नेता है उसमें कोई नजर नहीं रख रहा है, कौन आ रहा है, क्या काम करेगा नहीं करेगा, पीएम मोदी पे ही चुनाव लड़ रहा है। एक्चुअली मोदी जी किसी पर्सन को लेके या किसी गर्ल या किसी वुमेन या जेंट्स लेडीज ऐसा उनका कुछ भी नहीं है, वो पूरे जगत के लिए कर रहे हैं। एक बोल सकते हो वो हमारे लिए एक राम के स्वरूप में आए हैं हमारे पास, कि ठीक है वो बोलते ना भगवान खुद नहीं हर जगह पहुंच सकते, वो ऐसे व्यक्ति को हमारे लिए करते हैं कि वो हमें सब कुछ, हमें जो चाहिए हमारी सुविधाओं को देख के सब कुछ कर सके। उन्होंने हर स्केल को बढ़ाया है, इवन आप बोल सकते हो कि किसान है, बेटियां हैं, वर्कर्स हैं, लेबर हैं, लॉकडाउन में इतना कुछ किया उन्होंने, मतलब उसकी तो कोई सहारा ही नहीं है कि लॉकडाउन में भी इतने सारे उन्होंने मतलब बहुत सारी चीजें चलाई जो मतलब पॉसिबल नहीं थी, बट इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने। सबका जो बोलते ना कि धैर्य कहीं ना कहीं डगडग हो रहा था कि फैमिली में बहुत कुछ जा रहे थे, लोग भी जा रहे थे, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, कोई मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहा था, मगर उन्होंने सबको मेंटेन करने के लिए हर एक कदम पे स्टेप अपना जमा के रखा। हर टाइम उनके सेशन चलते थे कि मेरी पब्लिक डगडग नहीं होनी चाहिए, ये स्टेबल रहनी चाहिए, अगर ये मेरे साथ है तो मैं सारी जग जीत लूंगा। परशोत्तम रूपाला नु नाम छे, तेनी सामे परेश धानाणी, आने कई रीते तमे जोई रह्या छो? परेश धानाणी केटला राजकोट माटे सफळ निवडशे के नहीं निवडे? परेश धानाणी ने ओळखो छो के परशोत्तम रूपाला ने? ओळखो छो परशोत्तम रूपाला ने। पछी परेश धानाणी ने? ना, छो के હું ન્યૂઝ ઓછા જોઉં છું, પણ પરશોત્તમ રૂપાલા વધારે સારા નીવડશે એમ। કારણ શું લાગી રહ્યું છે તમને? કારણ શું? સોરી ચોકસથી क्या कहेंगे, अभी जो चुनाव का माहौल है, विरोध पक्ष नहीं रहा है, सभी विरोध पक्ष के नेता भाजपा में आ गए हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो मैंने पहले भी यही कहा था कि विरोधी का होना जरूरी, लेकिन अगर एक पक्ष अगर मजबूत है तो वो क्या नहीं कर सकता देश के लिए। रही बात मोदी सरकार की, अगर मैं बात करूं तो मोदी सरकार ने पिछले 4-5 सालों से काफी कुछ किया है। बीच में कोविड टाइम भी इतना गहरा पैंडेमिक माहौल था, लोग जा रहे थे, लोग टूट चुके थे कि पता नहीं हम लोग बचेंगे भी नहीं बचेंगे। जो यूनिटी ऑफ नेशन वाली बात थी ना, उन्होंने करी, घर घर दीपक लगा दिए, लोगों में एकता पैदा कर दी कि हम सब एक हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन जो आउट ऑफ इंडिया से हम लोग मंगवा रहे थे काफी महंगा पड़ रहा था, मोदी जी ने हमारे इंडिया में बनवा दिया, लोगों को इतना फ्री में, जगह जगह हॉस्पिटल में फ्री में जाओ आपको फ्री में वैक्सीनेशन मिलेगा, ताकि आप लोग बच सको, जो बचेंगे तभी तो आगे उम्मीद जगेगी मोदी जी के लिए। तो मैं तो फेवर में हूँ, मैं ही नहीं कह सकती विपक्षी नहीं। अभी ऐसा अगर खत्म हो रहा है, लेकिन इतना अगर मोदी जी करते हैं अच्छा काम तो इतना नीड भी नहीं हो रही कि विपक्ष मतलब होना चाहिए नहीं होना जैसा ही जैसा हो जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है विपक्ष का होना चाहिए राज, नहीं अगर एक व्यक्ति बंदा मोनोपोली ना करके काम पे ध्यान दे तो वो विपक्ष का होना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता तब तो, ये वाली बात है। कस्ती तमें शू कह सो, जितना अत्यारे स्थानिक नेताओं ने जोई ने केटला लोको मत आपे छे? कारण के युवानोए कांग्रेस नी सरकार जोई नथी, भाजपा नी सरकार छेला 20 वर्ष थी आ जोवा मळी रही छे, तेने कई रीते जोई रह्यो छो? डेवलपमेंट नो मुद्दो छे, साथे साथे स्थानिक